गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश में यूज ऑफ इन, आउट, ऑन एंड अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इन, आउट, ऑन एंड अंडर, सो द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन सभी चीजों का यूज हम किसी भी चीज की लोकेशन यानी कि स्थान बताने के लिए करते हैं। जैसे कि इन का मतलब होता है में, किसी चीज के अंदर, आउट बाहर, ऑन ऊपर एंड अंडर मतलब नीचे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अ किटन इन द टब। ये जो बिल्ली का बच्चा है वो कहाँ है, ये टब के अंदर है। अ डॉग इन द कैनन, डॉग कहाँ है, यहाँ पर हम इन का यूज कर रहे हैं। अ डॉग इन द कैनन, डॉग कहाँ है, कैनन के यानी कि अपने घर के अंदर है। अ बुक इन द बैग, अ बुक इन द बैग, बुक कहाँ है, बैग के अंदर है। देखिए यहाँ पर जो भी चीज अंदर दी हुई है यानी कि वहां पर मे का यूज हुआ है, इन, आई एन इन, ये मतलब मे या फिर अंदर। तो अ बुक इन द बैग, बुक जो है बैग के अंदर है। नेक्स्ट है अ पेंसिल इन द बॉक्स, पेंसिल कहाँ पर है बच्चों, पेंसिल बॉक्स में है। तो अ पेंसिल इन द बॉक्स, यहाँ पर भी पेंसिल का स्थान बताने के लिए इन का यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट है अ रैट इन द होल, चूहा कहाँ पर है, वो इस बिल में है। तो अ रैट इन द होल, चूहा जो है बिल में है। अ बर्ड इन द नेस्ट, अ बर्ड इन द नेस्ट, बर्ड कहाँ पर दिख रही है, अपने घोंसले के अंदर दिख रही है, यहाँ पर भी इन का यूज हुआ है। अ बर्ड इन द नेस्ट, चिड़िया जो है अपने घोंसले में है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आउट, तो बच्चों अब आउट का यूज पढ़ेंगे। अ पैरेट आउट ऑफ द केज, पैरेट जो है वो पिंजरे के बाहर है। तो यहाँ पर देखिए आउट, आउट मतलब बाहर। अ पैरेट आउट ऑफ द केज, तोता जो है वो पिंजरे के बाहर है। अ मैन आउट ऑफ द बस, आदमी कहाँ पर दिख रहा है, बस के बाहर। तो यहाँ पर आउट का यूज हुआ है, अ मैन आउट ऑफ द बस। नेक्स्ट है अ कैट आउट ऑफ द किचन, बिल्ली कहाँ पर है, किचन के बाहर है। तो यहाँ पर यूज हुआ है अ कैट आउट ऑफ द किचन, बिल्ली किचन के बाहर है। नेक्स्ट है आपका अ स्टूडेंट आउट ऑफ द क्लासरूम, ये विद्यार्थी है, छात्र है, ये कहाँ पर है, ये क्लासरूम के बाहर है। अ गर्ल आउट ऑफ द क्यू, गर्ल जो है देखिए सभी बच्चे एक लाइन से खड़े हैं और ये गर्ल जो है वो साइड में है, तो इसलिए इसके लिए क्या यूज हुआ है, अ गर्ल आउट ऑफ द क्यू, यानी कि ये लड़की जो है वो लाइन से बाहर है। अ पप आउट ऑफ द हाउस, जो ये पप्पी है डॉग का बच्चा है, ये कहाँ है, हाउस के बाहर है। देखिए जो भी चीज बाहर दिख रही है उसके लिए किसका यूज हुआ है बच्चों, आउट का। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑन, चूहा। तो अ रैट ऑन द मैट, चूहा जो है चटाई के ऊपर है। अ कैट ऑन अ हेड, कैट कहाँ पर है, हेड पर, सिर पर है। तो अ कैट ऑन अ हेड, कैट जो है टोपी जो है वो सर पर है। अ लैंप ऑन द टेबल, लैंप कहाँ दिया हुआ है, टेबल के ऊपर। तो अ लैंप ऑन द टेबल, लैंप टेबल के मेज के ऊपर है। अ रैबिट ऑन द एलिफेंट, खरगोश जो है, खरगोश हाथी के ऊपर है। अ बॉल ऑन द बेड, बॉल कहाँ पर दिख रही है, बेड के ऊपर, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, अ बॉल ऑन द बेड, बॉल जो है वो बेड के ऊपर है। अ पिक्चर ऑन द वॉल, पिक्चर कहाँ पर दिख रही है, दीवार के ऊपर, जो पोस्टर होता है वो दीवार पर सब लगाते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये वॉल पर हैंग हो रही है, तो यहाँ पर लिखा है अ पिक्चर ऑन द वॉल, पिक्चर दीवार पर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अंडर,
अंडर का यूज हम कोई भी जो अंडर का यूज हम किसी भी चीज जो चीज नीचे होती है उसको बताने के लिए करते हैं। जैसे शूज अंडर द बेड, शूज कहाँ है, बेड के नीचे है, तो शूज अंडर द बेड, शूज जो है बेड के नीचे है। बकेट अंडर द टैप, बाल्टी कहाँ पर है, नल के नीचे है, तो यहाँ पर अंडर का यूज हुआ है, बकेट अंडर द टैप। नेक्स्ट है, ये देखिए ट्री के नीचे काऊ बैठी है, तो अ काऊ अंडर द ट्री, काऊ जो है पेड़ के नीचे, गाय जो है वो पेड़ के नीचे है। बेबी अंडर द फैन, बच्चा जो है ये कहाँ है, पंखे के नीचे है, तो इसके लिए अंडर यूज हुआ है, बेबी अंडर द फैन, बच्चा जो है पंखे के नीचे है। अ डियर अंडर द ट्री, हिरण कहाँ है, पेड़ के नीचे है, यहाँ पर देखिए अंडर यूज हुआ है, और डियर अंडर द ट्री, यानी कि हिरण जो है वो पेड़ के नीचे है। अ टॉय अंडर द हेड, खिलौना कहाँ है, हेड के नीचे, तो इसलिए यहाँ पर अ टॉय अंडर द हेड, खिलौना जो है वो टोपी के नीचे है। तो बच्चों आपने इन, ऑन, अंडर ये सभी चीजें पढ़ ली हैं, इसको समझ लिए कि हम इसका यूज कहाँ और कैसे करते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसमें देखिए लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन, आउट एंड अंडर। आपको जो है पिक्चर को देखना है और उसके बाद ये जो खाली फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है, वहां पर आपको इन, ऑन, आउट एंड अंडर का यूज करना है, जो चीजें जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज होगी। जैसे कि ट्री है, अब ट्री के नीचे डियर दिया हुआ है, तो ये क्या है, नीचे है, तो नीचे के लिए हमें क्या यूज करना है, इन सारे ऑप्शन में से कौन सा चीज यहाँ पर यूज होगा, अंडर, क्योंकि अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे। अ डियर अंडर द ट्री, हिरन जो है पेड़ के नीचे है। अब रेड कहाँ है, मैट पे बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर है, अब ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन, अ रेड ऑन द मैट, चूहा जो है चटाई पर बैठा है। अब देखिए ये किटन है, ये किस्मन है, ये टब में है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टब के अंदर है, यानी कि में, इन, ठीक है। अ किटन इन द टब, बिल्ली का बच्चा जो है वो टब के अंदर है। नेक्स्ट है, ये देखिए बच्चों टेबल दिया हुआ है और टेबल के ऊपर बुक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अ बुक ऑन अ टेबल, क्योंकि ये ऊपर है और ऊपर के लिए हमें क्या यूज करना है, ऑन, तो अ बुक ऑन अ टेबल, बुक जो है टेबल के ऊपर है। अब यहाँ देखिए लॉयर कहाँ है, लॉयर जो है डेन के अंदर है, तो अंदर के लिए क्या यूज करेंगे, इन, में, अ लॉयर इन अ डेन, लॉयर जो है सेठ जो है वो कहाँ है, डेन के यानी कि गुफा के अंदर है। नेक्स्ट है आपका, देखिए कैट है और कैट जो है चेयर के नीचे बैठी हुई है, यानी कि नीचे है, तो हम क्या यूज करेंगे, अंडर का, अ कैट अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पिक्चर में देखिए ये डॉग है और ये कैनल है, तो डॉग कहाँ दिख रहा है हमें, कैनल के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन, अ डॉग इन अ कैनल, यानी कि डॉग अपने घर में है। अ बॉल, अब यहाँ देखिए ये इस पिक्चर में बॉल कहाँ दिख रही है, जो गर्ल है ये इस विंडो से अंदर है और बॉल जो है विंडो के बाहर दिख रही है, ठीक है, तो बाहर है, यानी कि यहाँ पर क्या यूज होगा, आउट, अ बॉल आउट ऑफ द विंडो, बॉल जो है खिड़की के बाहर है, बाहर के लिए क्या यूज करेंगे हम, आउट, अ बॉल आउट ऑफ द विंडो, बॉल जो है वो खिड़की से बाहर है। नेक्स्ट है आपका,
ये देखिए पैरेट है और ये पैरेट कहाँ पर है, ट्री पर बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑन यानी कि ऊपर है। अ पैरेट ऑन द ट्री, तोता जो है वो पेड़ पर है। ये आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट है, इसमें देखिए पिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको इसमें से ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही हो उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे आप इस पिक्चर को देखिए, ये बोट है और ये ब्रिज के कहाँ है, नीचे है। तो अब बोट, अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन पे हमें टिक लगाना है, अंडर अ बोट, यहाँ आपको टिक करना है अंडर द ब्रिज, यानी कि नाव जो है वो ब्रिज के नीचे है। अब बॉय, बॉय कहाँ है, बोट के ऊपर बैठा है, तो हम क्या लिखेंगे, अ बॉय ऑन अ कॉट, अ बॉय ऑन अ कॉट, यानी कि हम यहाँ ऑन पे टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अ फिश, फिश कहाँ है, फिश पॉट के अंदर है, तो हमें इन तीनों में से कौन सा यूज करना है, इन में, अ फिश इन द पॉट, मछली जो है वो पॉट के अंदर है। नेक्स्ट है अ कैट, कैट कहाँ दिख रही है, किचन के अंदर, तो अ कैट इन द किचन, जो ऑप्शन सही है आपको उसी पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है बच्चों अ मंकी, मंकी कहाँ है, ट्री पर बैठा है, तो ऊपर के लिए हमें क्या यूज करना है, ऑन अ मंकी ऑन द ट्री, इसमें हम किस पे टिक लगाएंगे, ऑन पर, अ मंकी ऑन द ट्री, मंकी बंदर जो है वो पेड़ के ऊपर है। अ रेड, रेड कहाँ है, टेबल पर है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ऑन अ रेड ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पे भी हमें ऑन पे टिक लगाना है, अ रेड ऑन द टेबल। नेक्स्ट है अ डॉग इज, डॉग कहाँ है, वो कैनल के अंदर है, तो हमें क्या यूज करना है, इन अ डॉग इज इन अ कैनल, डॉग जो है वो कैनल के यानी कि घर के अंदर है। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक इन ऑन अंडर एंड आउट, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा और ये सभी वर्क अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, आके यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।